अध्यक्ष महोदय, जब किसानों के खाते में पैसे जाते हैं, जब किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत मिलते हैं, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव से खेत को जोड़ने के मिलते हैं, पावर फॉर ऑल, जब हर गांव को बिजली लगने की बात आती, जब 5 लाख रुपया गरीबों को दवा कराने के लिए मिलता। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था, 2000 लोगों को कार्ड बांटा। वो कार्ड लेकर एक बुढ़िया जा रही थी तो लग रहा था कि उसको 5 लाख का ड्राफ्ट मिल गया, और कह रही थी कि ये वही जान सकता है जो गरीब मां का बेटा है। मेरे आंख भर गए और मैंने कहा कि धन्य हो नरेंद्र भाई मोदी, तुमने गरीबों के आंख को समझा है, गरीबों की गरीबी को समझा। दवा के अभाव में दम तोड़ देते थे लोग, लेकिन इस बात की प्रशंसा विपक्ष में रहते हुए भी आपको करना चाहिए कि पहली बार लोगों को लगा है, किसी गरीब को, कि कोई सरकार हमारे गरीबी के आंख को भी सुनने वाली है, समझने वाली है। यह पहली बार लगा है। ये हिंदुस्तान में जल संरक्षण का काम चल रहा है, कहां से पैसा आता है? यहां शशि थरूर किसान की बात कर रहे थे। सभापति महोदय, शशि थरूर जब किसान की बात कर रहे थे तो मैं यहीं बैठा था। एक बिहार में लोकगीत गाने वाले थे, पहले भिखारी ठाकुर, जानते हैं ना, भिखारी ठाकुर बिहार के भिखारी ठाकुर वाले हैं ना, विदेशिया का गीत गाते थे। शशि थरूर बात कर रहे थे सभापति महोदय किसान की, तो मुझे लगा एक अंग्रेजी फिल्म में भूमिका करने वाली कोई हीरोइन विदेशिया की भिखारी ठाकुर की विदेशिया के गीत गा रही है। जो गीत गा हम बाबू न, हम नहीं कहते किसान। ऑनरेबल मेंबर, नो इंटरप्शन, यू एड्रेस द चेयर, प्लीज यू एड्रेस द चेयर, प्लीज प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर, यू एड्रेस द चेयर प्लीज, यू एड्रेस द चेयर प्लीज। नो, बैठो 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 ना अभी। No more interruption, please. Yeah. Honorable member, please address the chair. Honorable member, please address your chair. हम कहाँ आपको मना किए हैं कि मेरी जैसे शरीर आप मत बनाइए। ये प्रकृति ने, हमको प्रकृति ने दिया है तो हम क्या करें, आपको दे दें? ये देने वाली चीज तो है, वो करें कि सर यार शरीर हम ले हैं तो हम क्या करें, भगवान ने हमको बना दिया तो हम क्या करें। मुलायम सिंह जी पूछ लीजिए, ये शरीर बड़ा तपस्या से बनी है, तप से बनी है, ऐसे नहीं बनती है। और आप पगड़ी बांध के आए हैं, आपको बहुत मैंने बहुत अच्छा लगते हैं, पगड़ी बांधने वालों को मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये मत जान लीजिए पगड़ी बांधने वाले से मैं डरने वाला हूं। किसान डरता उड़ता नहीं, इसलिए बाबा बोलने दो थोड़ा ना। ये बजट भविष्य में भारत की समृद्धि बढ़ाने वाला बजट, वर्तमान के चुनौतियों को के समाधान करने वाला बजट, और भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उसका समाधान करेगा। अतीत में जो गलतियां हैं उसको सुधारने का संकेत ये बजट, इस बजट ने दिया। अध्यक्ष जी, मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में गांव, गरीब, किसान, सेना के जवान के लिए समर्पित यह सरकार ने देश में एक भरोसा पैदा किया है।